सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम वाले हैं तो आप उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं, आप उसे मोड़ भी सकते हैं, उसका रुख भी मोड़ा जा सकता है, उसको हल्का भी किया जा सकता है। ये सब आपके अधीन है, आपकी भक्ति के अधीन है। ज्ञान भी संभव दिया कर सकता होगा, लेकिन भक्ति के लिए तो यकीनन कहा जाता है इसमें कुलेख माथे के कुलेख को सुलेख में परिवर्तित करने का समर्थ है भक्ति में। प्रगाढ़ भक्ति जैसी भक्ति संतों महात्माओं भक्तों ने की है, इसमें ऐसा मत समझिएगा हम ग्रस्त हैं इसलिए हमें थोड़ी झूठ होगी। नहीं, आप अपने किए को यदि परिवर्तित करना चाहते हो परिवर्तित कर सकते हो, इस पर कोई संदेह नहीं, पर आपकी भक्ति बहुत प्रगाढ़ होनी चाहिए। अनन्य भक्ति, निष्काम भक्ति आपकी होनी चाहिए, तो परमात्मा को ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अन्यथा देवियों सज्जनों,
सामान्यतः जैसे हम सब हैं, हम सबके लिए प्रारब्ध बहुत प्रबल है। आज राजा राम भी कुछ परिवर्तन नहीं कर सके, ये दर्शाने के लिए कि होने बहुत प्रबल है। एक लकड़ी का टाल है जहां लकड़ी बेची जाती है। एक साधु अपने चिलम में कोयला डालने के लिए, ऐसे चिलम पीते हैं ना साधु लोग, तो उसमें कोयला डालते हैं। कोयला चाहिए था, कोयला मांगने के लिए उस व्यक्ति के पास गया। एक बालक बैठा हुआ था वहां, कहा बाबा थोड़ी देर इंतजार करो, इस सारे टाल को आग लगने वाली है, जितनी मर्जी आग ले लेना, जितने मर्जी कोयले ले लेना। देखते ही देखते साक्षर सारी की सारी लकड़ी जल के राख हो गई, मानो कोयले ही कोयले हैं। साधु कोला तो उठाना भूल गया, उस बालक के पास गया, जाके कहा तुम्हें पता था कि इसे आग लगने वाली है, तूने पहले प्रबंध क्यों नहीं किया बचाव का, क्यों फायर ब्रिगेड इत्यादि नहीं बुलाए, क्यों पानी का प्रबंध नहीं किया, क्यों रेत इत्यादि का प्रबंध नहीं किया ताकि ये डिजास्टर न होता। बालक कहता है महात्मन क्षमा करें, इसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। अमुक नदी के किनारे मेरे गुरु महाराज बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, वे तुम्हें उत्तर देंगे। पूछता पूछता साधु उनके